मार्जी 14 वर्ष की आयु से कुसंग के कारण, गलत क्रिया सब सीखने के कारण लंबे समय तक हस्तमैथुन किया, वह अब बिना इस क्रिया को किए बगैर पेशाब के रास्ते धातु वीर निकलता रहता है, जिस कारण जीव हर बच्चा अभ्यास अभ्यास। देखो आप गलत अभ्यास में पड़ गए, इसलिए हम प्राय चीख चीख के कई... इसलिए पड़ा कि उन्होंने बोला हड्डी सीधी नहीं, जीव का कोई दिनचर्या नहीं, पढ़ाई भी छोड़ दी और आत्महत्या करने का मन होता। हाँ, जैसे आप कहते हैं जय श्री राधा महाराज जी। महाराज जी, इस बच्चे की मैं माता जी हूँ, उसके पिताजी नहीं है पिछले 4 साल से। तो ये बच्चा, इसका इलाज भी चल रहा है दिल्ली एम्स से, तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं बचा है, संतान उत्पन्न करने लायक नहीं रहेंगे, आपकी क्षमता नहीं रहेगी। ये बातें तो हम चीख चीख के पहले से बोल रहे हैं, जबकि हम तो भगवत मार्ग के पति की इस गंदी वार्ता को क्यों हम सुने, क्यों बोले। पर हमें लगता है हमारी नई पीढ़ी जो है इस गंदे आचरणों में ऐसे पहुंचती जा रही। आप सच्ची मानिए, यदि आप हस्तमैथुन करेंगे नई अवस्था में तो ब्याह होने के बाद आप गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे। अब देखो कह रहे हैं ना, बिना किसी कारण के वीर पात हो। हाँ। डर लगता है, बच्चा सारा खेल उसी का है। जब वीर है वो बल है, वो क्षीण हो गया तो मतलब, हम जब जैसे सत्संग में बोलते हैं तुम्हारी कमर दर्द करेगी, तुम्हें चक्कर आएगा, तुम्हें घबराहट पैदा हो जाएगी, कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, तुम्हारे जरा सी बात सोच करके तुम घबरा जाओगे कई तरह, और लघु शंका को बैठोगे जरा सा स्पर्श करोगे वीर निकल जाएगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। तो हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं, जिंदगी जीने का बिल्कुल जीवन जीने का मन। हाँ, लेकिन अगर आप हमारी बात मानो तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा, आप अच्छे आदमी बन सकते हो, आप स्वस्थ बन सकते हो, क्योंकि अभी आप में इतना आत्मबल है कि अपनी कमी को समाज में कह दिया। देखो अगर बहुत वैसे सोचो ना तो हिम्मत नहीं पड़ेगी ये बात कहने, क्योंकि गंदा आचरण है ना, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी आत्मबल है, तुम अभी सुधर सकते हो। पहला नियम कि कैसी, जब तुम मरने के लिए तैयार हो एक बात समझो, तो तुम इससे ज्यादा और कष्ट कौन सह सकते हो। तो तुम हस्त मैथुन के लिए अपने हाथों को संयम में रखो। दूसरी बात, थोड़ा सा चलना फिरना व्यायाम ऐसा कुछ शारीरिक करो जिससे श्रम हो। अगर तुम्हारे शरीर में थोड़ी भी सामर्थ्य है तो सुबह सुबह जैसे ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे उठो, इसके साथ अब राधा नाम जप करो, थोड़ा सत्संग सुनने का समय रखो, 20-30 मिनट सत्संग सुनो और उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 राधा। केवल व्यायाम बुद्धि को शुद्ध नहीं करेगा, वो तो शरीर को पुष्ट करता है, लेकिन जो आपकी स्मृति में बैठ गया है कि जनेन्द्रिय जनित सुख, उसको हटाने के लिए तो नाम ही है, दूसरा कोई बल नहीं है। महाराज जी, अब कोई गंदी चीज नहीं सोचता, मैं बिल्कुल माइंड प्योर है मेरा। जो गंदे अभ्यास में नहीं है उनका मन अब परेशान करता है, फिर तुम ऐसे सिद्ध हो गए कि तुम्हारा मन स्मृति सुन, फिर परेशानी क्या, मरना क्यों चाहते हो? नहीं महाराज जी, मेरा वो वीर निकलता है पेशाब से। फिर मतलब क्या रहेगा, जब स्मृति शांत है तो वीर क्यों निकलता है? अभी तुम बच्चे हो, समझ नहीं पा रहे जो हम कहना चाहते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं मन हमारा अभी ठीक नहीं है, हमारी स्मृति अभी ठीक नहीं है, हमारी बात मान लो। राधा राधा कहने में तुम्हें कोई परेशानी रहेगी क्या? आज से मित्र मान के हमें दोस्त मान के, जैसे आपने बताया, आप सब कुछ मानते हैं। हाँ ठीक, मान लिया, पर हमारी बात मान लो, तब मान लिया कि हाँ आप हमको मानते हो। राधा 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 राधा, सब श्री जी के नाम में अपार सामर्थ्य है, 2-4 दिन करके ऊब मत जाना कि हम 4 दिन से राधा नाम जप बंद नहीं हुआ। बात मान लो राधा राधा, और थोड़ा डॉक्टर से ऐसी औषधि लो जिससे वीर पुष्ट हो। कई प्रकार के ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां आती हैं जो वीर को पुष्ट करती हैं, और अगर वो थोड़ा वीर पुष्ट हो और आप थोड़ा व्यायाम करें नित्य नियम से, और थोड़ी देर सत्संग सुने नाम जप करें, तो निश्चित परिवर्तन हो जाएगा, निश्चित परिवर्तन हो। भगवान में बड़ी सामर्थ्य बच्चा, मुकम करो तिवाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधव। नाम जप करोगे ना तो फिर सब ठीक हो जाएगा, नाम जप में बहुत सामर्थ्य, बहुत सामर्थ्य बच्चा, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, पर लॉन्ग समय, लंबे समय तक, उबना नहीं नहीं। और जब आपको समय मिले तो 2-4 बार आओ, यहाँ का वायुमंडल आपको पवित्र करेगा, ये धाम है संतों का समागम, श्री जी का नाम कीर्तन यश होता है। जब आपको ऐसा लगे ना कि बहुत आप उब रहे हैं तो फिर चले आइए, ठीक है? नहीं, धन्यवाद की जरूरत क्या, जब दोस्ती तो धन्यवाद क्या है, धन्यवाद तो दूसरों को दिया जाता है, हम तो जब दोस्त हो गए तो फिर धन्यवाद क्या, ठीक है? इनमें सबसे प्रधान कारण कर्म और कुसंग, पूर्व का कर्म और कुसंग। मनो पूर्व का कर्म अच्छा होता तो संग अच्छा मिल जाता, पूर्व का कुसंग मिल जाने कारण ऐसे। लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ा, तू चिंता मत कर, सबसे बिगड़नी बात होती दुर्गति, और वो अब होगी नहीं, मेरी बात याद कर लो। तुम हमारे सामने आ गए हो, हमने कहा तुम राधा जपो, वृंदावन आ गए हो, तो फाइनल वाली किताब जो जांची जाएगी ना तो नंबर अच्छे आएंगे, चाहे तुम बिल्कुल पढ़ो मत। अच्छा, आखिरी बनना ही तो सब बनना होता है, हम उसी बनाने के लिए बैठे हुए। जब हमने कहा कि आप हमारे दोस्त हैं, हमने कहा आप राधा नाम जप कीजिए,
तो आप फाइनल के लिए बिल्कुल प्रसन्न हो जाइए। बीच में तो हमारी भी किडनी फेल, बच्चा दोनों किडनी फेल है, अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे, डायलिसिस होगा, क्या क्या हालतें होती है तुम्हें उसके विषय में क्या बताएं। लेकिन देखो आपके सामने हम ऐसे बैठे हैं क्योंकि नाम है हमारी श्री जी हैं, ठाकुर जी, अब हमें कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, नहीं तो अभी डिप्रेशन में पहुंच जाए। लेकिन आपको कष्ट का लग रहा है, कहीं कष्ट आपको झलक रहा है कि हम डिप्रेशन में, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, बस एक वो लाडली जी के चरणों का भरोसा, इसलिए ऐसा। और आप सावधान होकर आप भी नाम जप कीजिए, और अधर्म के द्वारा किसी भी धन को देखो, मतलब थोड़ा सा एक कड़वी बात है, जब हम अधर्म जानते हुए धन स्वीकार करते हैं तो वो हमको ऐसे कष्ट देता है जिसका हम निराकरण नहीं कर सकते। इसलिए धर्म से नमक रोटी खाओगे, तुम्हारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, तुम्हारे बच्चे बुद्धिमान बनेंगे, तुम्हें सुख मिलेगा। और कहीं अगर हमसे अधर्म आचरण हो गया तो फिर हमको हमारे ऐसी जगह चोट पहुंचाई जाएगी, हम तो सह सकते हैं हमें मारो, लेकिन हमारी ऐसी कोमल जगह मारा जाएगा जैसे बच्चा। अब इसकी पीड़ा देखकर तुम चाहे जितना प्रसन्न हो, जब घर आओगे तो आपका हृदय जल जाएगा कि यार किसके लिए करूं, किसके लिए करूं, मेरा जीवन क्या है। कोई ना कोई कर्म ऐसा जो हमें जैसे आज हम बाबा जी हैं भगवत मार्ग के पथिक, लेकिन पूर्व में कोई कर्म बिगड़ा, कोई गलती ऐसी हुई भयानक जिसका दंड मिला है। भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पे हैं, भगवान से कह रहे 100 जन्म तक मैं देख रहा हूं कोई पाप नहीं। बोले और आगे देखो, अपना तो बड़ा रजिस्टर है ना, हजारों करोड़ों जन्म हो चुके, इसलिए निश्चिंत रहो, आप भी नाम जप करो और अच्छे आचरण वाले मतलब धर्म से कमाया हुआ धन, और आप तो निश्चिंत हो जाओ। राधा 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 राधा, महाराज जी हमारे यार दोस्त है तो हमें चिंता क्या करनी। देखो गंदे दोस्त बनाए तो बिगड़ गए ना, और हमें दोस्त बनाओगे तो फिर बताना धीरे धीरे कि अब कैसा लग रहा है। आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की, और हमारी दोस्ती यहाँ की केवल नहीं होती, आर पार की होती है, आर पार की। अगर कह दिया तो भगवान अपनो परण विसार, भगत को पूरो परण निभाओ। अगर ये जो देख रहे हो आप, ये हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम उन्हीं के बल पे दहाड़ते हैं और उन्हीं के बल से गारंटी लेते हैं, उन्हीं के बल से बात करते हैं, क्योंकि हमें उनके उनकी कृपा से उनके स्वभाव और प्रभाव का यत किंचित पता है। तो आप निश्चिंत रहो, अब गंदे काम करना मत, गंदे बच्चों के बीच में मत बैठना, मोबाइल से गंदे दृश्य मत देखना। हाँ बिल्कुल, तो अब तुम धीरे धीरे ठीक हो। महाराज जी बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी, महाराज जी 2 साल हो गए, अब तो जीवन बचाने की बात सोचो, पढ़ाई और लिखाई तो आप सोचो, पहले वो स्वस्थ हो, अब उसका जीना पहले ठीक, देख रहे हो ना, अगर ज्यादा विक्षिप्तता पहुंच जाएगी तो ना वो आपके संभाले संभलेगा ना किसी के संभाले संभलेगा, क्योंकि स्थिति जिसे नाजुक अवस्था कहते ना, अब वो जब यहां से बिगड़ जाता है फिर संभलना मुश्किल होता है। अब वो यहां से बिगड़ रहा है, हमें यहां से संभालना है, सबसे पहले उसे संभालना है, सबसे पहले उसके जीवन को संभालना है। जरूरी थोड़ी कि पढ़ लिख करके वो इंजीनियर बने, अगर आपके पास अर्थ आ जाएगा आप छोटी सी दुकान खोल देगी, जीवन जीना सीख जाएगा।